नमस्कार साथियों, कर्नल यशपाल सिंह नेगी, भूतपूर्व सैनिक, आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये हमारे खेत हैं। और ये खेत जब मैं 20 फरवरी 2021 में घर आया था तो ये बंजर थे, और अगर इनको आबाद नहीं किया जाता तो ये कुछ ऐसे होते जो ये बंजर खेत हैं। दूर हमारा गांव और ये खेत। अभी घर में आके हमने एक ट्रैक्टर लिया, और जैसा कि हमारे यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उनमें पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो परेशानी तो हुई हमें ट्रैक्टर को उठाना ले जाना। छोटा ट्रैक्टर, हैंड हेल्ड, पर उसका वज़न भी लगभग 80 किलो है। ये देखिए, ये बंजर खेत। दिल में एक तमन्ना थी कि अपने खेतों को थोड़ा सा आबाद करके देखूं। तो ये आप जो देख रहे हैं इनमें, ये हमने इसमें चौलाई है, बीन्स हैं, सोयाबीन है, और अलग अलग दालें बोई हैं। ये हमारा खेत, और ट्रैक्टर करने से, चलाने से तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपने ट्रैक्टर चलाया लेकिन उसके बाद बीज बोना, निलाई गुड़ाई करना, ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है। और इसमें जो सहयोग दिया है वह है श्रीमती बीना नेगी, मेरी पत्नी। और मैं थोड़ा अपने डॉटर को बोलूँगा कि एक बार ही वीडियो बनाएं, हम दोनों का एक शॉट ले लें छोटा सा। अभी बनने गया था, वो एक बात हमारे आना, अरे हमारे छोटे छोटे से हथियार गुड़ाई करने के, बुजुर्ग हो गई हैं बीना जी। पूरी मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ इनकी, अगर ये ना होती तो शायद मैं इसको कर ना पाता। तो मेरी शक्ति, मेरी प्रेरणा बीना जी। और अभी आपको दिखाता हूँ और खेत, ये देखिए, ये सभी में हमने बोया हुआ है। एक्चुअली ये खेत 30-35 सालों से छूट गए थे, तो ये इनकी हालत हो गई, टूट गए दीवारें वगैरह। ये लौकी, खरबूज, ये देखिए, पूजा थी आई घर पे डॉटर मेरी, तो ये उन्होंने बीज बोए लौकी, खरबूज, तरबूज, ककड़ी के। और ये खेत जहाँ आगे छोड़ दिया था तो ये बंजर, उसी तरीके से ये देखिए नीचे बंजर खेत, जो मैंने आधा छोड़ दिया था क्योंकि उस समय ट्रैक्टर चलाते वक्त मुझे परेशानी सी लग रही थी। तो ये अब इसमें घास कटवा रहा हूँ, जम गया, ये घास कटवा रहा हूँ, और यहाँ मैं पेड़ लगाने की सोच रहा हूँ। देखिए, ये जो बंजरी छूट गया था, और ये जो आबाद कर दिया था। एक दिल में खुशी होती है, नीचे बंजर खेत। ये तो बीन्स है, अगर कीड़ों ने नहीं नुकसान पहुंचाया तो मुझे आशा है कि अच्छी फसल होगी।
ये चौलाई है, अभी बहुत छोटी हो रखी है। बीना जी बोले कीड़ा लग रहा है, अभी आप दिखा तो रहे हो लेकिन देखना फिर क्या होता है आगे। और ये गांव का दृश्य, आजकल गांव में बहुत रौनक है, लोग आ रखे हैं। गांव में पूजा है तो इसीलिए कल और परसों। ये देखिए खेत, जो आबाद खेत है। मुख्य ने खुकारा बिने, जाना नहीं सत हूं तो। आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।